गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर क्वेश्चन आता है पावर हाउस ऑफ द सेल पे नोट लिखो या फिर स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल, तो ये दोनों ही एक ही चीज के लिए होती है कि इसका मतलब वो आपने से क्या पूछ रहे हैं। दे आर आस्किंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज विजिबल एज ए स्मॉल स्फेरिकल और रॉड शेप स्ट्रक्चर अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखते हो तो एक बहुत छोटी स्ट्रक्चर दिखती है, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल स्टडी करना है देन यू हैव टू यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तब आपको क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यूज करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही छोटी माइन्यूट पार्टिकल जैसे दिखती है, लेकिन डिटेल स्ट्रक्चर है, बहुत अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये। अकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो भी सेल एक्टिवली रिस्पायर करती हैं वो सभी सेल इसको रखती हैं। लाइक ऑल द एरोबिक सेल्स जो हैं दे ऑल कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट इज लैक्स इन, और लेकिन कहाँ नहीं मिलती, एनएरोबिक सेल्स में, कुछ प्रोटोजोअन्स में, मेमेलियन मेच्योर आरबीसी हमारे अंदर जो आरबीसी मिलती है, और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स, कुछ ऐसी और चीजें हैं जहां पर इनकी कमी पाई जाती है या ये नहीं मिलती है, जबकि अकरेंस होती है इसकी एरोबिक सेल्स के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेटा यहाँ पे आपको डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, और इसकी फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के चैम्बर को हम आउटर चैम्बर बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये खाली स्पेस आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इनर चैम्बर। इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग के अंदर जो चैम्बर है इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, इसके अलावा क्रिस्टी होते हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, क्रिस्टी। ये जो ये वेव्स सी नजर आ रही है, और इन क्रिस्टी के ऊपर होता है बेटा यहाँ ऑक्सीजोम्स। क्या होते हैं, ऑक्सीजोम्स होते हैं, और ये वो मेन पार्टिकल है, ये वो मेन पार्टिकल है जो एनर्जी को देंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हो गई है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी बोलते हैं। इन क्रिस्टी के ऊपर फाइन फाइन पार्टिकल देखो आपको नजर आ रहे होंगे, दे ऑल आर नोन एज ऑक्सीजोम्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी। यहाँ पे एक चीज और होती है बेटा, इनर यहाँ पे मैट्रिक्स मिलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसको बोल देते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स, प्रोटीन, आयन या एटीपी वगैरह जो बनेगा वो सबके सब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज सोशे शेप बट कैन बी स्फेरिकल और ओवल। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टा, एंड क्रिस्टा आर फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्रिस्टी होते हैं। इनके ऊपर ऑक्सीजोम्स होते हैं विच जनरेट द एटीपी, एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। इनर चैम्बर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके इनर चैम्बर के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, कुछ आयंस, एंजाइम्स, राइबोसोम, डीएनए एटसेट्रा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कंप्लीट कहाँ होता है बेटा, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये प्रोड्यूस करता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट। ओके, इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एस क्यों कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा इसको एनर्जी करेंसी भी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं बेटा, एनर्जी करेंसी। ठीक है, जैसे पैसा होता है ना अपना, वैसे अपनी एनर्जी करेंसी क्या होती है, एटीपी होती है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये वाली देखिए जना, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसे और भी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये अपने जैसे और भी माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। एक ऐसा ऑर्गेनेल जो अपने जैसे और ऑर्गेनेल बनाने की क्षमता रखता है। तो ये बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।